हेलो फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सपना की दुनिया में आप सबका दिल से स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फाइनली फैमिली, अभी तो मैं छत पे आई थी और आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह तो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा है, तो फैमिली काम हो ही जाता है घर में। तो लगभग 5 बज गए हैं और मैंने कहा कि चलो कपड़े भी उतार लेती हूँ। और आप सब लोग कैसे हो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने इयररिंग नहीं पहनी क्योंकि फाइनली छोटे वाली पहन लो तो जब सो जाओ तो गिर जाते हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ बट बहुत कम पहनती हूँ। जब रील बनाती हूँ तब पहन लेती हूँ, जब कहीं जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। मम्मी बोलती है कि बिना इसके अच्छी नहीं लगती हूँ, तो मैंने पहन लेती हूँ, लेकिन गाइस उनका कहना भी मान लेती हूँ। तो फाइनली इधर कपड़े भी पड़े हैं तो कपड़े मैं जल्दी जल्दी से उठा लेती हूँ गाइस, फिर चाय बनाऊंगी। और रात का आज डिनर बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आज का ब्लॉग आप सब लोग मिस मत करिएगा। मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा फैमिली। तो पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ, कपड़े उठा रही हूँ। ये देखिए गाइस, छोटे भी कपड़े मतलब सुबह सुबह टंगे थे तो शाम को अपने का पार्टी उतार ले, टाइम भी हो गया है। ये देखिए गाइस, जल्दी से उतार लेती हूँ, जल्दी से कपड़े उतार लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हैं फैमिली। गाइस मैंने कपड़े उतार लिए हैं। देखिए गाइस, कपड़े उतार के मैं इनको अंदर रख देती हूँ। रखने के बाद फिर नीचे चलते हैं, चाय बनाएंगे और टेस्टी टेस्टी डिनर बनाएंगे, तो आप सबके साथ भी खाएंगे। आप सब भी आइएगा साथ में खाएंगे। और फैमिली अभी तो हल्की हल्की ठंडी है तो हल्का वाला स्वेटर मैंने पहना है। और आप सब लोग मुझे खूब सारा प्यार और सपोर्ट दिया करो। आप सबका सपोर्ट मुझे मिलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरी मेहनत भी सफल है। तो फैमिली अब मैं कपड़े को रख देती हूँ, कपड़े भी मैंने रख दिए। मैंने कहा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं, नेल पेंट नहीं लगाई है, रील बनाती हूँ तब लगाती हूँ और छूट जाती है। काम करो तो आप समझ ही सकते हो, कपड़े उपड़े धुलो तो इसी वजह से छूट जाती है। लगा लीजिए ब्लैक कलर, किस किस को पसंद है गाइस? मुझे तो ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। मम्मी कहेंगी ब्लैक है, इनको पसंद आवा था, बाकी इनका कोई कपड़ा निका ही नहीं लागत है। हमका भी ब्लैक बहुत निक लागत है गाइस, तो हम ब्लैक लगाई थे। तो फाइनली लगा लेती हूँ गाइस, आप सबके भी लगा दूँ। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, प्यारी प्यारी भाभियाँ हैं, तो उन सबके भी मैं लगा दूँ गाइस। मुझे ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लगता है, ब्लैक नेल पेंट है, ब्लैक ड्रेस है, बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी कहेंगी छोटे छोटे नाखून है तुम्हारे। गाइस मेरे नाखून बढ़ते ही नहीं है, आप मुझे कुछ टिप्स बताओ, मैं इसको फॉलो करूंगी। तो गाइस मैं लगा लेती हूँ, फिर आप सबको दिखाई। मैंने नेल पेंट लगा लिया है। ये देखिए गाइस, ये नाखून वही वाला है जो टूट नहीं गया था, जो चोट लग गई थी मेरे, तो नाखून मेरा काट दिया गया था, तो अंदर से पूरा नाखून मेरा खराब हो गया था। अब नया नाखून निकल रहा है, तो अब मेरे तेज तेज नेल्स हैं गाइस। मेरे पास नकली वाले नेल्स हैं बट मैं किसी दिन लगाऊंगी। नकली वाले लगाओ तो बहुत उबस लगता है, तो सीरियस मैं नकली वाला नहीं लगाती हूँ। तो जो है बस यही है, ये लगा लेती हूँ। लगा लिया गाइस, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी मेरी नेल पेंट आप सबको। गाइस मैं अपने किचन में आ गई और अभी तो शाम का वक्त हो गया है, तो मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज मैंने सोचा है कि शिमला मिर्च का भरवा बनाया जाए। देखिए गाइस, शिमला मिर्च का भरवा किस किस को पसंद है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो आज मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी फैमिली। फाइनली मैंने इसको काट लिया है, गोल सा अंदर से बाहरी बाहर तौर पर काट लिया है, और जो इतना मतलब ऊपर का निकलता है इसको भी छोटे छोटे पीस में देखिए गाइस ऐसे मैंने काट लिया है। और शिमला मिर्च का भरवा हम लोग ऐसे ही बनाते हैं फैमिली, आलू भर के शिमला मिर्च का भरवा बनाएंगे। इसको मैंने ऐसे रेडी कर लिया है, फाइनली मेरा रेडी हो गया है और इधर मेरे आलू भी रेडी हो गए हैं। आलू भी मैंने अच्छे से उबाल लिया है, ये आलू मेरे गांव के हैं जो कि पापा गांव गए थे तो वहीं से लेके आए हैं। तो आलू और गरम गरम चटनी मतलब बहुत ही अच्छी, हरी धनिया की खाने में तो टेस्ट तो एकदम लाजवाब सा लगता है। तो फाइनली मेरे आलू भी उबल गए हैं, तो गाइस आप लोग भी जिसको आलू चटनी पसंद हो आप सब भी खाइए। और अभी आलू को छीलना है, थोड़ी देर में आलू और मतलब काफ़ी गर्म है, थोड़ी देर बाद मैं आलू को छीलूंगी। और इधर मैंने भरते में डालने के लिए, आलू के भरते में डालने के लिए टमाटर भी मैंने ले लिया है, ये थोड़ा सा ख़राब है, हल्का सा इसको निकाल लूँगी। और प्याज भी मैंने दो मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, और इधर मैंने हरी मिर्च भी ले लिए हैं गाइस, और इधर मैंने हरी धनिया भी ले ली जो कि मैंने अभी इसको कटिंग नहीं की है। तो फैमिली आज मैं दाल बना रही हूँ, शिमला मिर्च का भरवा बना रही हूँ, चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। तो आज का स्पेशल डिनर यही है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। फाइनली मैंने दाल तो चढ़ा दी है, और गाइस सुबह आज गाजर का हलवा बना था। ये देखिए गाइस, इसी रेसिपी तो मैंने आप सबके साथ शूट की है, और सीटी बिरयानी मेरी स्टार्ट हो गई है जो कि वीडियो में काफ़ी वो मतलब लग रहा है। ये देखिए गाइस, मेवे वाला गाजर का हलवा भी बनाया था आज सुबह मैंने बनाया था, तो इसकी रेसिपी तो मैंने नहीं शूट की जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। ले लीजिए गाजर का हलवा, आप सब भी खाइए। तो फाइनली फैमिली अब मैं आलू को छील लेती हूँ, प्याज को काट लेती हूँ, सब काट के तब मैं आप सबसे मिलती हूँ फैमिली। फाइनली गाइस मेरा प्याज भी कट गया है, ये देखिए बारीक प्याज मैंने काटा है, दो आड़ी आपको दिखाई थी तो दो आड़ी प्याज काट लिया है। धनिया भी मेरी कट गई है,
और मिर्चा भी मेरा कट गया है, जो कि मैं इसको भरते में डाल के बनाऊंगी तो आप सबको दिखाऊंगी। और इधर मेरा टमाटर भी कट गया है, देख सकते हैं गाइस, टमाटर भी मेरा कट के रेडी हो गया है। और इतना मैंने आलू को छील के मैश कर लिया है मैसर से। ये देखिए गाइस, ये मैसर है, इसको मैंने ऐसे मैश कर लिया है, ये देखिए गाइस। और इधर मैंने इतना आलू रख दिया है, मम्मी ने बोला है कल सुबह धनिया आलू बनाएंगे, तो इसको मैं इतने छील के फ्रिज में लगा दूंगी, जिससे कि आलू हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे, मतलब मिक्स नहीं होंगे। ये देखिए गाइस, आलू छील लिया है, अब इसको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। और इधर मेरा शिमला मिर्च भी रेडी हो गया, जो कि मैंने आप सबको दिखाया था। तो अब मैं भरता बनाने की तैयारी करती हूँ गाइस। गाइस, मैंने गैस पे कढ़ाई देखी चढ़ा दी है, दाल इधर पक रही है, सीटी भी मतलब मेरी दाल बनने वाली है, और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून तेल डाल देती हूँ। फाइनली गाइस, मैंने तेल भी अच्छे से डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मतलब गर्म होने देते हैं, क्योंकि जब तक तेल गर्म नहीं होगा तब तक नहीं डालेंगे, वरना तेल कचाई मारने लगता है और टेस्ट भी एकदम फीका सा हो जाता है, कोई टेस्ट नहीं आता। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, जब भी तो आप सबको पता ही होगा। तो फाइनली गाइस, मुझे तो करेले का भरवा, शिमला मिर्च का भरवा और कुंदरू का भरवा, भिंडी का भरवा और टमाटर का भरवा भी बहुत अच्छा बनता है। आप सब लोग बना लेते हो कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और मैं बना लेती हूँ, कभी बनाऊंगी तो स्पेशल ब्लॉग उसका बनाऊंगी, तो आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा आज रात का डिनर इतना स्पेशल है, तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो हाँ, मुझे तो शिमला मिर्च का भरवा बहुत ही पसंद है, और करेले का भी बहुत पसंद है। करेले का तो बहुत ही हेल्दी होता है, उसे बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है। करेले का सब पराठा करेला है, रोटी करेला, चाय है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली गाइस, मेरा तेल अभी गर्म हो रहा है, तो मैंने सोचा आप सबसे मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और आलू धनिया तो मम्मी सुबह बनाएंगी, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी इसमें आलू में थोड़ा सा भी डालेंगे तो आलू इतना सारा हो जाएगा, तो इतना सारा भरता क्या वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसी वजह थोड़े आलू रख दें, इसी आलू धनिया बन जाएगा। अभी दाल है और इसका मतलब शिमला मिर्च का भरवा है, चावल है, रोटी है। तो गाइस, अभी अच्छे से गर्म हो जाए, गाइस मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने जीरा भी ले लिया है, जीरा 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें, ये देखिए गाइस। और मैं वीडियो को पास नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैंने इसको रिंग लाइट पे कैमरा लगाया है, तो गाइस आप सबको बन जाएगा तो दिखाऊंगी। और अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ, जो प्याज कटिंग की वो डाल देती हूँ। गाइस, मैंने डाल दिया है, तो आप सबको देखिए, गरम तेल भी हो गया, जीरा भी मैंने डाल दिया और प्याज भी मैंने डाल दिया। प्याज मेरा अच्छे से भून रहा है गाइस, इसको सुनहरा ब्राउन होने तक भूनेंगे, फिर इसमें कटा मिर्चा डाल देंगे और टमाटर डाल के अच्छे से भून के लास्ट में इसमें मिक्स जो आलू मिक्स किया है वही आलू इसमें डाल देंगे, भरता से रेडी हो जाएगा। फिर इसमें ये भी डालेंगे गाइस, जो मैंने कटिंग की है, इसको डालने से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए गाइस, मेरा अच्छे से ब्राउन होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, और इधर मैंने चावल को भी अच्छे से बेल लिया है। चावल इतना ही डालूंगी, क्योंकि कम है लोग खाने वाले, किसी का व्रत है तो कोई ऐसे हैं, और रोटी भी बनाऊंगी और बस इतना ही बनाऊंगी। फाइनली मेरा वो अभी रेडी हो रहा है गाइस, मेरी दाल भी बन के रेडी हो गई, ये देखिए गाइस, जूस वाली दाल भी बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए गाइस, अब इसमें लास्ट में मैं खटाई डालूंगी, खटाई डालने से काफ़ी अच्छी दाल हो जाती है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है गाइस। दाल मेरी रेडी हो गई है, और इधर मैंने कुकर में चावल भी चढ़ा दिया, क्योंकि मैं कुकर ही में चावल बनाती हूँ, भगोने में चावल नहीं बनाती हूँ, भगोने में चावल बना ही नहीं पाती हूँ, कुकर में बहुत ही अच्छे तरीके से चावल बना लेती हूँ। और इधर मैंने सारा मटेरियल भी डाल दिया है, प्याज है और मिर्चा है, और जो छोटा छोटा वो कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च किया था वो भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, सब कुछ अच्छे से पक रहा है गाइस, और सबको मैं दिखा। आप लोग देखिए, फाइनली मेरा मटेरियल अच्छे से पक चुका है, ये देखिए गाइस, अच्छे से पक चुका है, ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जो मैं आलू है उसको डाल दूंगी, ये आलू इसमें डाल दूंगी गाइस। ऐसे ही मैं शिमला मिर्च का भरवा बनाती हूँ, डाल लूँ तो आप सबसे बात करें। एग्जॉस्ट भी चला दिया है, क्योंकि मिर्चा सब भर गया है, तो काफ़ी मतलब घुटन सी हो रही है, तो इसी वजह से मैंने एग्जॉस्ट भी चला दिया है। तो आप सबको मैं दिखाती हूँ, आलू भी मैंने अच्छे से मिला दिया है, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ऐसा भरता रेडी हुआ है, आप सबको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ, कितना टेस्टी भरता रेडी हो गया है। अब ये अच्छे से भुनने के बाद इसमें नमक भी डाल दूंगी, और कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूंगी, काफ़ी अच्छा सा हमारा भुन गया है। तो इसको शिमला मिर्च में भर के इसको अच्छे से मतलब जैसे भरवा सारा किया जाता है वैसे ही करूँगा। पानी मेरे चावल में सीटी भी आने लगी है, आप सबको सुनाई दे रहा होगा गाइस,
मेरा भरता भी बन के रेडी हो गया है। देखिए गाइस कितना लजीज और टेस्टी भरता बना है। तो अब इसको मैं शिमला मिर्च में भर के, शिमला मिर्च का भरवा ऐसे ही बनाती हूँ गाइस। कोई कोई तो वो भरता है, खोआ भी भरता है, लेकिन मुझे वाला नहीं पसंद है। मुझे याला और मेरी फैमिली को यही वाला पसंद है, आप सबको भी यही पसंद है। तो आप सब भी आइए साथ में खाइए। ये देखिए गाइस कितना अच्छा सा मतलब भून गया, देख करारा करारा आलू। ये देखिए गाइस भाप भी निकल रही है। अब मैं इसमें लास्ट में धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए गाइस धनिया डालने से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए गाइस मैंने डाल दिया है धनिया। अब मैं इसको शिमला मिर्च में भर के भर लेती हूँ। और मैंने तेल भी कढ़ाई में चढ़ा दी है। ये देखिए गाइस मैंने तेल भी अच्छे से कढ़ाई में चढ़ा दी है। फाइनली गाइस तो अब मैं इसको अच्छे से भर लेती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। मैं ऐसे भरती हूँ। ये देखिए गाइस इतना आलू ले लिया, इसको ऐसे से भर के, मतलब अच्छे से भर के, दबा दबा के भर के ऐसे। ये देखिए गाइस ऐसे से भर के चारों तरफ से। इसमें मैं कुछ बेसन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही कढ़ाई में बिछा दूंगी और धीमी आंच पे इसको पकने दूंगी जिससे कि अच्छे से पक जाए। ये देखिए गाइस ऐसे कुछ, ये देखिए कुछ ऐसा मैंने भरा है। ये देखिए गाइस इसी तरह मैं सारे भर लेती हूँ गाइस। ये देखिए गाइस गाइस ये देखिए मैंने अच्छे से भर लिया है। ये देखिए गाइस सारी शिमला मिर्च मैंने भर लिए हैं। अभी देखिए एक खाली रह गया है, बातों में लग जाओ तो खाली ही रह जाता है। ये देखिए गाइस भर लिया है, इसको भी मैं भर लेती हूँ। अब आप सबके सामने ही मैं फिनिश करती हूँ। हाँ और गाइस पूरा मतलब थोड़ा भरता बच गया है तो उसको मैं रख दूंगी रोटी के साथ, जिसको खाना होगा खा लेगा। ये देखिए गाइस इतना भरता मेरा बच गया है तो इसका उसको रख दूंगी, वरना सूर्य पराठा बन जाएगा। इसको मैं इस बाउल में रख देती हूँ। फाइनली गाइस मैंने इस बाउल में इसको रख दिया है और जब मेरा ये पक जाएगा तो इसको भी मैं उठा के इसमें रख दूंगी, क्योंकि जो भी लेना चाहे ले सकता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा। तो फाइनली अब मैं एक कढ़ाई में इसको अच्छे से बिछा देती हूँ। फैमिली मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से बिछा दिया है, आप सबको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने कितने अच्छे से बिछा दिया है। अब ये धीमी आंच में पकाऊंगी, धीरे धीरे खुद ही पक जाएंगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। और इसको मैं अच्छे से ढक देती हूँ, इसको ऐसे भून देंगे। ये देखिए गाइस ऐसे भून देंगे और धीमी आंच एकदम कर देंगे, धीमी आंच में एकदम। इधर मैंने आटे को भी अच्छे से सान लिया है। देखिए गाइस इतना आटा मैंने सान के रख दिया है जिससे कि अच्छे से फूल जाए और हमारी नरम नरम रोटियां बने। ये देखिए गाइस आटा मैंने सान के रख दिया है। और इधर मेरा देखिए गाइस चावल भी बन गया है, कुकर में चावल भी बन गया है। भाप देखिए निकल रही गाइस, इतना ही चावल बनाया है क्योंकि शाम को चावल सब लोग कम लेते हैं। और थोड़ी दोपहर में मैंने तहरी बनाई थी तो भी रखी है, तो शेयर करके सब लोग खा लेंगे, खाना वेस्ट नहीं किया जाता है। ये देखिए गाइस चावल भी बन गया है। और फाइनली मेरी जूस वाली दाल भी रेडी हो गई। नीचे गाड़ी भी है, ऊपर जूस है, क्योंकि पापा को जूस पसंद है और गाड़ी भी पसंद है, तो सब लोग ऐसे ही खाएंगे गाइस। इधर मेरी सब्जी चढ़ी है। तो फाइनली गाइस अब जब सब खाना बन जाता है तब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ। मेरी रोटियाँ भी बन के रेडी हो गई हैं गोल गोल सी, और दाल भी बन के रेडी हो गई है, चावल बन के रेडी हो गया है। और मैंने जो सब्जी कढ़ाई में चढ़ाई थी, कढ़ाई में हल्का सा जलने लगा था तो मैंने तावे पे इसको चढ़ा दिया है। तो आप सबको मैं दिखाती हूँ गाइस शिमला मिर्च का भरवा कितना टेस्टी, कितना यम्मी बन गया है। ये देखिए तावे पे मैंने इसको कर दिया है, फाइनली अच्छे से भून चुका था तभी मैंने कहा डाल देती हूँ थोड़ा सा और पक जाए। और इधर मेरी रोटियाँ भी रेडी हो गई हैं गरम गरम। और ये है वही बचा हुआ आलू का भरता जो कि अभी सब लोग खा लेंगे, खाने साथ ले लेंगे। और ये है दाल है, और ये है चावल है, ये है गाजर का हलवा है। तो आप सब भी आओ साथ में खाना खाते हैं। फाइनली मेरा सब्जी भी टेस्टी टेस्टी डिनर आप सबके लिए भी। ये चावल है, प्याज है, शिमला मिर्च का भरवा है, दाल है, रोटी है, ये आप सब भी खाइए। पहली थाली आप सबके लिए, आप सब भी खाओ, रात का डिनर आइए आप सब भी खाइए। पहली थाली आप सबके लिए, और खा के बताइएगा कैसी हमारी थाली बनी, रात का डिनर कैसा बना। अभी लगभग 9:03 हो रहा है गाइस, देख सकते हैं 9:03 हो रहा है। फाइनली मेरा खाना भी रेडी हो गया है। तो अब हम सब लोग जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी डिनर का आनंद लेने। तो आप सब फैमिली हम लोग खाना खा चुके, और खाना कैसा बना था आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बर्तन भी धो लिया, किचन भी अच्छे से साफ कर लिया। और फैमिली दिल से सॉरी चाय नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं भूल गई थी आप सबसे, मैंने बोला था, नेल पेंट भी लगा चुकी थी तो मैंने बोला था चलो चाय बनाते हैं नीचे, पर मैं चाय बनाना भूल गई क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे, मतलब बगल वाली आंटी थी आई थी मिलने के लिए, तो इसी वजह से मैं भूल गई थी। फिर खाने की शुरुआत करने लगी तो खाना बनाने में काफ़ी टाइम हो गया, तो फैमिली उसके लिए सॉरी। और खाना आप सबको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और फाइनली मुझे नींद भी बहुत तेज़ आने लगी है, और यहाँ तो मैं थर्ड फ्लोर पे बैठी हूँ तो यहाँ पे तो कोई मतलब थर्ड फ्लोर ऐसे ही है, यहाँ सारा जिम का मतलब उधर देखिए सामान रखा है, और इधर भी देखिए जिम वाली साइकिल रखी है। ये देखिए गाइस जिम वाली साइकिल रखी है,
और बस यही सब है। तो अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।